नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ काजल। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जम्मू कश्मीर पुलिस में नए भर्ते हुए पुलिस कर्मियों की ओर से आज कठुआ ट्रेनिंग स्कूल में पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल कठुआ में 27वें BRTS बैच की पासिंग आउट परेड हुई। इस मौके पर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और परेड की सलामी ली। उन्होंने अपने संबोधन में भर्ती हुए पुलिस कर्मियों को शिक्षा प्रद संदेश दिए। जम्मू से हमारे संवाददाता विकास पंडित की रिपोर्ट। सो फार एज सीज फायर वायलेशंस आर कंसर्न्ड, देयर इज अ लल ऑन दैट काउंट। देयर इज नो सीज फायर वायलेशन एज ऑफ नाउ अलोंग द बॉर्डर, अलोंग द LC, बट वेपन ड्रॉपिंग, यस, IDs ड्रॉपिंग, यस, दैट इज टेकिंग प्लेस ऑन बिहेस्ट ऑफ LET एंड यश मोहम्मद, विच इज एक्चुअली ऑपरेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान। रिक्रूटमेंट हो रही है, पहले से बहुत कम हुई है। हम लोगों नौजवानों को जो वर्गलाए जा रहे हैं उनको अपनी तरफ से पॉजिटिव एंगेजमेंट में लगा रखे हैं, और पहले के मुकाबले में रिक्रूटमेंट ना के बराबर है। आने वाले वक्त में रिक्रूटमेंट और नीचे आएगी, ऐसा मेरा यकीन है। व्हाट विल बी मैसेज यूथ के लिए? यही मैसेज है कि जितना जानो माल का नुकसान, जितना बेगुनाहों का खून अभी तक आतंकियों के जरिए से, दहशत गर्दों के जरिए से बह चुका है, इनको हर फ्रंट के ऊपर नकारने का, पछाड़ने का, इनको पूरी तरह से नाकामयाब करने का वक्त आ गया है। मैं यूथ को कहता हूं कि अमन और शांति की पहल में वो बराबर के जो है वो पार्टनर बने, इसमें हमारा साथ दें, और यूथ खुद अपने आप को ऐसी गतिविधियों से बचा के रखें जो उनके लिए ठीक नहीं है, उनके परिवार के लिए ठीक नहीं है और समाज के लिए ठीक नहीं है। थैंक यू सो मच।